अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। घर का पका में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार बोनलेस में पालक और चिकन। तो ये बहुत ही मजे की बनती है, बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है। बोनलेस के साथ बच्चे तो खुश हो जाते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर ना कोई टमाटर, ना दही, ना गर्म मसाला कुछ भी यूज नहीं होता। आपको सिर्फ पालक चाहिए और आपको बोनलेस चिकन चाहिए और बहुत मजे की आपकी ये डिश बनके रेडी होगी। तो आइए आपको बताते हैं कि पालक चिकन बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है और इसको कैसे बना सकते हैं। पालक चिकन बनाने के लिए हम सबसे पहले पालक को जो है वो स्टीम करेंगे, इसको सॉफ्ट कर लेंगे। इसके लिए हमने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं किया है, सिर्फ पालक को धो के पत्तों समेत इसको काटा नहीं है, क्योंकि इसको हमने बाद में पीसना है। तो इसलिए इसको मैंने साबुत ही इस तरह पत्तों को अच्छी तरह धो लिया, धो के इसको पतीली में डाल दिया। ये अपने ही पानी में बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, इसमें कोई आपको अलहदा से पानी शामिल करने की जरूरत नहीं है। ये 2 किलो पालक है मेरे पास, इसमें जाएगा ये मुट्ठी भर सब्ज धनिया है, ये चला गया इसके अंदर। और ये थोड़ी सी मेरे पास मेथी है, ये देखें, ये मेथी को भी मैंने इसी तरह पत्तों समेत धो लिया था, अच्छी तरह पत्ते तोड़ के इसके डंठल निकाल दिए और इसको 3-4 पानी बहुत अच्छी तरह धो लिया। ये मेथी भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको बड़ा अच्छा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद इसको ठंडा करेंगे और पीस लेंगे। देखिए पालक जो है वो काफी सारी सॉफ्ट हो गई है, काफी नीचे चली गई है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून जितनी चीनी। चीनी डालने से एक तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें जो है वो पालक जो है वो इसका कलर भी बरकरार रहता है, काली नहीं पड़ती चीनी डालने से। ये अच्छी तरह जब सॉफ्ट हो जाएगी इसका सारा पानी जो है हम ड्रेन कर देंगे। ये अपने ही पानी में बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट होगी। इसको स्ट्रेनर में निकाल के इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसको पीस लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं और फिर इसको पीस लेंगे। चलिए ये देखिए पालक बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि इसमें मैंने पानी तो शामिल किया नहीं था, ये अपने ही पानी में बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई। और कितना इतने ज्यादा पानी छोड़ दिया है, इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल के तो फिर पीस लेती हूँ। ये देखिए ये इसको हम हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह इसको सॉफ्ट कर लेंगे और पीस लेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। इसका ये पालक का पत्ता पत्ता जो है ना वो नहीं रहना चाहिए, इसको बिल्कुल हम इसको घोट लेंगे, जिस तरह साग घोटा जाता है इस तरह इसको घुटी हुई होना चाहिए। चलो पैन में हम शामिल करेंगे 1 कप जितना घी, 1 कप घी शामिल कर देंगे और घी को अच्छा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका, इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 छोटी इलायची, 3-4 सूखी वाली लाल मिर्चें। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, बड़ा अच्छा इनका फ्लेवर आता है पालक के अंदर। इनको थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 2 मीडियम प्याज फाइन चॉप किए हुए और इनको अच्छा सा पिंकिश पिंकिश ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज्यादा काला नहीं करना, लाइट ब्राउन गोल्डन सा करना है। ये प्याज जो है हमारे वो लाइट पिंक हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कलर आया है। इसे ज्यादा नहीं आपने करना। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक नहीं जाएगा, लहसुन जाएगा वो भी ज्यादा सारा। और मैं ये जो पालक चिकन है ये बोनलेस चिकन में बना रही हूँ, आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोनलेस में बना रही हूँ। मैं ज्यादातर जो पालक है ना खड़ी वाली वो बनाती हूँ विद बोन, ये जो बोनलेस है ये मैं ग्रेवी वाली बनाती हूँ पालक, और बहुत मजे की बनती है। आप चाहे कुछ का राइस के साथ खाएं, तड़के वाले राइस के साथ, या फिर चपाती और पराठे के साथ, ये बहुत मजे की लगती है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने कुछ ड्राई मसाले, जो कि कुछ यूं हैं, 1 टेबलस्पून भर के हैं हमारे पास लाल मिर्च पाउडर,
और 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको भी यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। इसमें शामिल कर देंगे हम 3-4 ड्रॉप पानी ताकि ये जो मसाला है हमारा अच्छी तरह भून जाए और ऑयल अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छा सा भून रहा है, बल्कि भून गया है, ये ऑयल अलग नजर आने लगा है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे, ये 1 kg बोनलेस चिकन है। ये 2 तरह का है, इसमें ब्रेस्ट भी है और थाई भी, और इसको 1 इंच के मैंने टुकड़ों में काट लिया है। ये सारा इसमें चला जाएगा। और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें कोई टमाटर और दही वगैरह शामिल नहीं करते हम लोग। इसमें पालक के अंदर हम टमाटर और दही का इस्तेमाल नहीं करते, और वैसे भी हमारे घर में जो टमाटर है उसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। तो इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे, ये जो चिकन है वो अच्छा सा पक जाए। इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत अच्छा सा भून गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ऑयल भी बिल्कुल अलग नजर आ रहा है और चिकन हमारा गल भी चुका है। मैंने एक पीस वैसे निकाल के देखा था, बड़ा अच्छा सा गल गया। चलिए इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे पालक। जो पालक हमने पीस के रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे। ये पालक सारी इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसमें, और ये बर्तन भी अच्छी तरह साफ कर लेंगे। जो थोड़ी बहुत पालक इस पर लगी हुई है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, कोई भी चीज जाया नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। देखिए ये पालक को हमने अच्छी तरह चिकन के अंदर मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और बीच बीच में से इसको चलाते भी रहेंगे ताकि पालक जो है वो नीचे ना लग जाए, क्योंकि पालक जो है वो बहुत मुलायम है तो लग भी सकती है। तो इसलिए इसको बीच में चलाते रहें और कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पालक को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धनिया भी है, थोड़ी सी मेथी भी है और इलायची भी मैंने यूज की है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप फ्रेश क्रीम। आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जो हो वो दूध की मलाई इसमें डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करके अच्छी तरह कवर कर देंगे और मजीद 2-3 मिनट इसको पकने देंगे। देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ये 50 ग्राम बटर है। अगर आपके पास बटर ना हो तो तब आप इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। अगर देसी घी ना हो तो बटर शामिल कर दें, ये भी ना हो तो फिर आप ना शामिल करें कुछ भी, तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर दूध की मलाई शामिल की है ना, तो वो भी उसका भी बड़ा अच्छा उससे फ्लेवर हो जाता है। तो चलें इसको अब हम कवर कर देते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। बटर जो है ये इसका जो है वो इसका बड़ा अच्छा है, इसके साथ इसकी खुशबू और अरोमा निकल के आता है पालक का। पालक के अंदर मैं जो हूँ वो ज्यादा गर्म मसाले इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मैं किसी भी चीज में बहुत कम गर्म मसाले का यूज करती हूँ, एंड इतना भी ज्यादा नहीं गर्म मसाला इस्तेमाल करना चाहिए कि जो आपकी सब्जी या दाल है उसकी बेचारे की मादी बच जाए। तो इसको कवर करते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह पालक चिकन हमारी रेडी है। आप इसको पराठे के साथ, खमीरी रोटी या फिर खुश्का राइस के साथ एंजॉय करें, बहुत मजे की बनती है। बोनलेस चिकन के साथ आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए पालक बनाएं, आपको मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड, आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए पालक चिकन बनाएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। तो मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।